हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद फील्ड में उतरकर हर जिले का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों से उनके क्षेत्र में कोविड की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त कार्यालय स्थित बचत भवन में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बिलासपुर में उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आयोजित कोविड 19 बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड 19 को लेकर विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यवस्थाओं व कमियों का जायजा लेकर उन्हें अपग्रेड करना है, ताकि इस संकट की घड़ी से लड़ा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 95% कोरोना मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेट में हैं और उन्हें सही इलाज मिलना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी मदद करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में होने का भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सही ढंग से वैक्सीनेशन की जा रही है। जहां जिस प्रकार से अब ये कोविड के मामले जो है, क्योंकि इसका स्प्रेड अब की वायरस का देख रहे हैं बहुत फास्ट है, ऐसी सूरत में हमको अपनी व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो सारी चीज़ को लेकर के वो भी प्लान करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर होम आइसोलेशन में जो लोग बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 95% लोग जो कोविड के पॉजिटिव हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, उनका वहाँ पर देखभाल ठीक हो, देखभाल ठीक होने के बाद उनकी ट्रीटमेंट वहाँ पर ठीक प्रकार से हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी वहाँ जाकर के उनकी मदद कर सकें, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि उनकी मदद करें, ऐसी सूरत इस सारी चीज़ के लिए भी बहुत बड़ी एक आवश्यकता है, उसमें हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो मामलों में इंक्रीज आई है, जो पूरे देश भर में भी आई, तो चिंता का विषय है कि मामले बहुत बढ़े हैं पिछले दिनों में, और उसमें मृत्यु भी काफ़ी हुई है। हर रोज़ का हम देख रहे हैं, आठ दस लोगों की, कई बार 12 तक भी आंकड़ा चला जा रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में इस कोविड के संकट में ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सारी चीज़ें हमने की ही पहले, लेकिन मुझे आवश्यक लगा कि हम फील्ड में जा करके भी कुछ चीज़ों को देखें और अधिकारियों के साथ बैठ करके डिटेल में बातचीत करें, ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन हो और जो इश्यूज वहाँ के हैं उनके समाधान के लिए वहीं पर हम निर्णय लें और निर्णय लेकर के आगे बढ़ें। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा कोरोना पर खर्च धनराशि को लेकर पंजाब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की तर्ज पर हिमाचल सरकार द्वारा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में इकट्ठा हुए 81 करोड़ के हिसाब किताब को सार्वजनिक करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी कुछ सार्वजनिक है और कितना पैसा आया, कितना कहाँ खर्च हुआ, सभी की डिटेल ऑनलाइन है, जिसे कांग्रेस नेता देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सूखे की मार पर चिंता जाहिर करते हुए इससे निपटने के लिए हैंडपंप लगाने से लेकर गांव-गांव, शहर-शहर पानी का टैंकर पहुंचाने तक हर तरह का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने की भी बात कही। सूखे का ये दौर चल रहा है, अभी तक हमने यही कहा अधिकारियों की, एक तो फील्ड की असेसमेंट, जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो लॉसेज हुए हैं, नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ, उसकी असेसमेंट हमारे पास आया ताकि हम केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सकें। दूसरी, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हमारी हिमाचल प्रदेश में जो प्रभावित हुई हैं, उन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए हमने कहा है कि डिपार्टमेंट को जहां इंटरलिंक उन स्कीम्स के माध्यम से उसकी वाटर सप्लाई हम जो है सुनिश्चित कर सकें तो वो करें। और उसके अतिरिक्त जो है, कहीं अगर ऐसा लगता है कि कुछ एरिया में राशनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर भी विचार कर लिया जाए। अगर फैट ऑल वो सिचुएशन आती है जहाँ हैंडपम्प से हम दे सकते हैं, हैंडपम्प लगाने के लिए इजाज़त दे दी गई है, बजट का प्रावधान उसके लिए कर दिया गया है, और लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास ये होता है कि टैंकर्स के माध्यम से लोगों को पानी पहुंचाना, अगर वो आवश्यकता होगी तो उस पर भी काम करेंगे। आखिरी सवाल है, जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कह रही है कि जो पिछले साल फंड इकट्ठा हुआ था कोविड के लिए, उसको पंजाब की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन सिंह ने सार्वजनिक किया है, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि सार्वजनिक है और ऑनलाइन कोई आदमी उसको पैसा कितना आया, कितना खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।